गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने किचन गार्डन की तरफ हैं और यहाँ मैंने एक चेरी टमाटर लगाया है। इसका ही आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि सीज़न ऑलमोस्ट आ गया है इसका फ्रूटिंग का। ये देखिए कितने चेरी टमाटर से यहाँ लगे हुए हैं, मीठे मीठे। एक ही पेड़ लगा है, इसमें फ्रूट्स देखिए कितने आए। देखिए यहाँ पर इधर उधर भी हैं, कुछ यहाँ फल रहे हैं, कुछ यहाँ फल रहे हैं। इतना खूबसूरत, इतना मीठा फल ऑर्गेनिकली लगाना बहुत मुश्किल है। इतना अच्छा इसका, दो पेड़ चार पेड़ लगा दीजिए आप एक सीज़न में, ज़मीन हो तो और अच्छा है, नहीं तो बड़े से गमले में लगा दिए। इतना सुंदर, इतना अच्छा, देखने में ही इतना अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा है, मीठा मीठा। चेरी टमाटोस और भी लगाए हैं, ये बड़े वाले टोमेटो हैं, फल हैं। इसमें भी चेरी टमाटो लगाया हुआ है, इसमें भी फल है, फलने वाला है। देखिए इतना नीम ऑयल डालने के बाद भी इसमें कुछ इन्फेक्टेड लीव्स हो गई हैं, इनको कुछ ना करिए, बस तोड़ के हटा देना ही सही है जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं। फिर से एक स्प्रे कर देंगे नीम ऑयल का, तो ये फिर नहीं लगेगा बाकी लीव्स पे। ढेर सारे टोमेटो एक ही साथ है, ये देखिए तो पूरे अपने साइज में है, रेड होना बाकी है। इसमें भी सेम फर्टिलाइजर, नीम खली, बोन मिल, और इसमें वो काउ मैन्योर फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी है, उसको कायदे से डालने पूरा। हमने देखिए डाल रखा है इसका सॉइल मिक्स, देखेंगे आप तो सब ऊपर ही ऊपर से डाल दिया था, अंदर भी डला है, ऊपर भी पड़ा है। और भी फ्रूटिंग आगे हो रही है, ये था चेरी टोमेटो। इधर साइड में अपना थोड़ा बहुत वो लगाता हूँ वेजिटेबल्स, दूसरी छत है साइड में, अभी ग्रो बैग्स रखे हुए हैं, इसमें अभी सूख गए हैं क्योंकि अब भिंडी लगना है। भिंडी देखिए जर्मिनेट भी हो गई है मेरी, अब इसको ट्रांसप्लांट करना है, एक हफ्ता और इसमें रहेगा फिर ट्रांसप्लांट होगा। लगाने का तो करेला और नेनुआ सब लगाया हूँ मैं, अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है, होगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दूंगा। इसमें करेला लगा हुआ है, इसमें नेनुआ लगा हुआ है, देखिए एक बैगन का भी पेड़ इसमें निकल रहा है। ऐसे ही ये एक बैगन लगा हुआ है, बट इसका कंडीशन थोड़ा सही नहीं है, रूटिंग भी किया हुआ है, इसका मिट्टी हमको रिप्लेस करना है। इधर ये बैगन का पेड़ एक लगा हुआ है, अरे सॉरी टमाटर का। जैसे नीचे वाले किचन गार्डन में मैंने बैगन लगा दिया है, तो इसको भी वहीं लगा दूंगा, ऊपर कुछ और लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स मेहनत करिए, ये सब ग्रो करना बहुत इजी है, एक गमले से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक हार्डी प्लांट लगाइए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको आराम से धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आप लगा सकते हैं। अभी ये 2 महीने तक फ्रूटिंग देता रहेगा इसी तरह। आज एक इसको तोड़ ही लेता हूँ मैं, देखिए पूरा ही आ गया टूट के। अब
इतना सुंदर लग रहा है, देखिए खाने में भी उतना ही टेस्टी है। थैंक यू फ्रेंड्स।